हेलो बच्चों गुरुनीति कम प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर जई मेंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है आज के इस सेशन में हम फिज़िक्स यूनिट नंबर 11 जिसके अंदर हम मैग्नेट इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इसी सेम टॉपिक का फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था ठीक है चलिए शुरू करते हैं पैरा मैग्नेटिक मेटीरियल है पावर ट्वेंटी क्यूब इट्स मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एट टेम्परेचर थ्री फिफ्टी कैलवनीज टू पॉइंट एट इन टू टेन दी पॉल माइनस फोर इट्सिबिलिटी एट थ्री हंड्रेड कैलवनीज काफी सिंपल क्वेश्चन है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें हम तो काई इज इक्वल टू सी बाई टी क्यूरी टेम्परेचर क्यूरी रिलेशन आपको पता होना चाहिए ठीक है फोर पैरा मैग्नेटिक मटीरियल राइट जो तो तो ससेप्टिबिलिटी है वो थ्री टू पॉइंट फोर है तो इस टेम्परेचर पर थ्री हंड्रेड कैलविन कितनाई टू इज इक्वल टू सी बाई टी वन अपॉन सी बाई टी टू सी तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये टी टू बाई टी वन आ जाएगा आपके पास ठीक है और अगर आपको काई टू कैलकुलेट करना है तो काई टू टू कितना आया का इन टू इसको सोल्व करना है. की आपके पास है यहां पर टू पॉइंट पावर माइनस फोर टेम्परेचर टी वन जो है वो थ्री फिफ्टी कैलविन है और टी टू जो है वो थ्री हंड्रेड कैलविन है राइट right? इससे कट करेंगे ये सिक्स सेवन ये सेवन बाइ सिक्स ऑलमोस्ट मतलब वन से थोड़ा सा ग्रेटर होगा जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो आपके पास इसकी वैल्यू आएगी थ्री पॉइंट टू सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस फोर सिंपल फोर था करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए टू मैग्नेटिक डायपोल्स एक्स एंड वाई आर प्लेस एट इज सेपरेशन डी विद एक्स इज परपेंडिकुलर टू इच अदर द डायपोल मोमेंट ऑफ इज ट्वाइस दैट ऑफ एक्स तो दो मैग्नेट्स आपको गिवन है ये डिस्टेंस डी आपको दे रखी है ये जो मैग्नेट है इसका मैग्नेटिक मोमेंट एम है और मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा एस से एन की तरफ होता है उसके डायरेक्शन तो ये जो एम वैक्टर है ये इस तरफ आएगा और जो दूसरा मैग्नेट आपको दे रखा है वो एस टू एन इस तरफ इसका मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा और इसका मैगनमेंट ट्वाइस है एक्स के, के तो इसका टू एम आ जाएगा ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू इज पासिंग थ्रू देर मिड पॉइंट पी एट एन एंगल थीटा इक्वल्स टू फोर्टी फाइव डिग्री

जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है उस पर लगने वाला फोर्स होता है क्यू वी क्रॉस B ठीक है तो हमें बेटा यहां पर V दे रखा है या V की जो भी आ, V आ, जो भी है मतलब आपको वेलोसिटी इस तरफ दे रखी है इसकी और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हमें फाइंड आउट करना अगर वो पता लग गया और डायरेक्शन भी पता लग गई तो आप फोर्स ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो तो सबसे पहले यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं अपन ठीक है तब आप ये देखिए इस मैग्नेट के कारण

इस मैग्नेट के कारण देखें तो ये जो पॉइंट है ये इक्वेटोरियल लाइन पे हो जाएगा तो इक्वटोर लाइन पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट के जस्ट अपोजिट होता है तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस इस मैग्नेट के कारण जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आएगा जस्ट एम uh, के अपोजिट आएगा इस तरफ तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना आना चाहिए इसका फॉर्मूला होता है म्यूनोट एम अपोन में फोर पाई आर क्यूब राइट म्यूनोट एम लेकिन एम यहां पर ट्वाइस है उसका टू एम तो टू एम रखना पड़ेगा तो टू आगे आ गया, गया। टू म्यूनट एम अपन में फोर बाई आर क्यूब अब अगेन ये वाली डिस्टेंस भी आर के बराबर होगी क्योंकि ये डी बाई टू है तो आर क्यूब आ गया अब अगर आप गोर से देखो तो दोनों का जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस पी पॉइंट पर वो एग्जैक्टली सेम आ रहा बराबर आ रहा है बराबर आने का मतलब ये हुआ कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो बेटा एग्जैक्टली मिड में आएगा मिड में बोले तो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पर तो फोर्टी फाइव डिग्री एंगल पर नेट मैग्नेटिक फील्ड आएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा? ये दोनों सेम है तो रूट टू टाइम्स हो जाएगा बी बी का आएगा, आएगा, लेकिन डिग्री एंगल पर आएगा अब इसमें जो पार्टिकल दे आपको वो पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में इसी तरफ जा रहा है उसकी वेलोसिटी भी इसी तरफ है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है तो V और B बी के बीच में एंगल यहां पर जीरो डिग्री आ रहा है वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल जीरो डिग्री है तो क्यों वी क्रॉस बी वी क्रॉस बी क्या होता है तो इस पोजिशन पर चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेकेंड आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले इंटू टू पॉइंट फाइव सेंटीमीटर विद हंड्रेड टर्न कैरिंग ए करंट ऑफ थ्री एम्पियर इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन इज कैप्ट सेंटर्ड एट द ओरिजन एंड इन द एक्स जेड प्लेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन टेस्ट अप्लाइड अलोंग एक्स एक्सिस द कोइल इज टिलेड थ्रू फोर्टी फाइव डिग्री एंगल अबाउट टॉर्क ऑन द कोइल इज ठीक है तो कॉयल पे अगर आपको टॉर्क फाइंड आउट करना है तो हाथों हाथ माइंड में आ जाना चाहिए एम क्रॉस बी वाला फॉर्मूला यहां पर अप्लाई होगा अब एम क्रॉस बी हमें यहां पर कैलकुलेट करना है बेटा तो एम के लिए आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना पड़ेगा मैग्नेटिक मोमेंट होता है बेटा एन आई ए एन नंबर ऑफ टनस है यहां पर नंबर ऑफ टन आपको हंड्रेड दे रखे हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है थ्री और एरिया बेटा ये एक लूप है तो एरिया आ जाएगा तो ये वाली वैल्यू मैंने यहां रख दी तो ये एम की वैल्यू आ चुकी और जो बी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको दे रखा वन टेस्ला ठीक है अब इस लूप को आपने 45 डिग्री एंगल टिल्ट कर दिया एक्चुअल में देखा जाए तो ये एक्सैड जो प्लेन है अगर अपन ड्रो करें कुछ इस टाइप से ये जेड डायरेक्शन कंसिडर कर ली है एक्स ये वाई तो जो लूप है ना वो जेड एक्सेस पहले एक्जेड प्लेन में था ऐसे था ये ठीक है और अब आपने क्या किया जेड एक्सेस के अबाउट इस आपने इसको फोर्टी डिग्री एंगल टिल्ट कर दिया पहले ये जो लूप था ना वो इस पोजिशन में था देखिए ऐसे था ये ठीक है एंड देन फिर आपने इस लूप को कुछ ऐसे टिल्ट कर दिया ठीक है ये वाला एंगल 45 डिग्री हो गया और मैग्नेटिक फील्ड है ना मैग्नेटिक फील्ड बेटा इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड से ये जो टिल्ट हुआ जो मैग्नेटिक आप ये कह सकते हो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन तो वो तो वही है सेम ही है लेकिन एरिया वैक्टर जो है वो थोड़ा सा रोटेट हुआ है इस केस में ठीक है एरिया वैक्टर यहाँ पर इस केस में क्या हो गया रोटेट हो गया करेक्ट ओके okay. <coughs> तो एरिया वेक्टर आपने इसका रोटेट किया देखा जाए तो 90 प्लस 45 डिग्री एंगल आ गया अगर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में देखा जाए तो 90 प्लस 45 फाइव साइन नाइनटी प्लस फोर्टी पता ही अपन को साइन 45 ही आएगा सॉरी कोस 45 आएगा और कोस 45 फाइव वैल्यू भी कितनी होती है वन बाई रूट टू होती है तो जो टॉर्क आएगा वो एम क्रॉस भी आएगा और एम क्रॉस भी एम बी साइन थीटा और साइन थीटा वैसे कोस 45 हो जाएगा यहाँ पर तो वैल्यू कितनी आनी है यहाँ पे टॉर्क की एम बी इंटू साइन सॉरी कॉस फोर्टी फाइव मतलब वन बाई रूट टू बाकी वैल्यू रखनी है बेटा आपको यहां पर ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा फाइव इंटू टू पॉइंट फाइव ट्वेल्व पॉइंट फाइव इंटू थ्री इंटू टेंट दावर माइनस टू ठीक है टेंट दावर माइनस टू और डिवाइड में रूट टू आ जाएगा ठीक है जब आप इसको सॉल्व करोगे बेटा तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी जीरो पॉइंट टू सेवन न्यूटन मीटर सिंपल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है

पैरल है तो एरिया वैक्टर इधर है एरिया वैक्टर और मैग्नेट फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90 है और हल्का सा नाइन्न डिग्री रोटेट हुआ तो नाइन्टी एटी नाइन हो गया बस ज्यादा ज्यादा और क्या होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑलमोस्ट नाइन्टी आप एज्यूम कर सकते हो तो टॉर्क तो की वैल्यू एम बी साइन नाइनटी साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी वन आ जाएगी ठीक है तो ये टॉर्क लगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड और एम की वैल्यू आप जानते हो एन आई ए होता है तो एन नंबर ऑफ टन वन सेवनटी फाइव है आई जो है इसमें वन मिली एमपियर है दैट मीनस टेन टू दी पावर माइनस थ्री NIA, और एरिया वन सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो तो आ आ गया तो आ गया ठीक है न, ये ये अब जो है 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 ना ये पे due to magnetic field लग रहा है, तो रोटेट होना चाहेगी लेकिन इसको इसको एक स्प्रिंग से स्प्रिंग से आपने इसको connect कर रखा जो कि अपोजिट डायरेक्शन टॉर्क लगाएगी और जो मैग्नेटिक टॉर्क है और स्प्रिंग के कारण है वो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे तो स्प्रिंग का स्पाइरल स्प्रिंग का जो टॉर्क लगता है ना वो होता है सी इंटू थीटा सी होता है

ठीक है न्यूटन मीटर पर रेडियन पर रेडियन है तो थीटा भी रेडियन में होना चाहिए थीटा आपको वन डिग्री दे रखा है ओके अगर आप देखो तो वन डिग्री ये रहा वन डिग्री दे रखा है तो इसको वन डिग्री को रेडियन में बदलना पड़ेगा रेडियन में कितना आ जाएगा पाई बाय वन एटी ठीक है यहां से आपको इसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगानी पड़ेगी ये माइनस वन हो गया यहां से बेटा बी की वैल्यू कितनी आएगी बी आ जाएगा आपके पास पाई और ये माइनस वन आए बच्चे यहाँ पर माइनस वन यहाँ प्लस टेन हो जाएगा तो ये केवल uh, 18 बचेगा जीरो कट जाएगा और डिवाइड में क्या आएगा वन सेवेंटी डिवाइड में 175 तो इस वे से आप बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो बेटा ठीक है और बी की वैल्यू अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो इसका थोड़ा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा थोड़ा गुणा भाग करना पड़ेगा तो ऑलमोस्ट जब आप इसको करोगे तो ऑलमोस्ट बेटा वैल्यू आती है जीरो पॉइंट जीरो जीरो नाइन नाइन के अप्रोक्स ठीक है तो उसको ऑलमोस्ट आप टेंट दावर माइनस थ्री कर सकते हो राइट तो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा थोड़ा सा है 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 बस ठीक तो तो ये कैलकुलेट हो जाएगा ऑलमोस्ट पावर टेस्ला इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा चलिए नेक्स्ट चलते हैं Concept काफी सिंपल कैलकुलेशन अगर आपने नोटिस किया स्टेडी करंट आई एंड ऑफ मैग्नेटिक इज एम इफ लूप इज changes to a circular loop and it carries the same current the magnitude of the magnetic dipole moment of the circular loop will be काफी सिंपल है देखो आपने एक स्क्वेयर लूप लिया ठीक है स्क्वेयर लूप है ये साइड लेंथ मैंने l कंसीडर कर ली और इसमें इलेक्ट्रिक करंट i फ्लो कर रहा है इसका मैग्नेटिक मोमेंट m है तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपसे कोई पूछे तो m की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ i एंड एरिया क्या होगा i में एरिया क्या आ जाएगा इसका स्क्वायर लूप है तो l l l2 आ जाएगा ना आई एम की वैल्यू आ गई अब इसी स्क्र लूप से आपने सर्कुलर लूप बना दिया इसी स्क्र लूप से आपने सर्कुलर लूप बनाया तो सर्कुलर लूप की जो रेडियस है वो आर मान लीजिए ठीक है इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना आएगा एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल फोर एल ना फोर एल सेम पैरामीटर ये होगा और इसके लिए वैल्यू कितनी आएगी टू पाई आर है ना वायर तो वही लिया आपने यहां से आपके पास आर की वैल्यू कितनी आएगी फोर एल अपॉन में टू पाई

ये ये लो एम ये की वैल्यू आ गई नया जो मैग्नेटिक मोमेंट आया ना सर्कुलर लूप के लिए फोर एम बाई पाई के बराबर आएगा बेटा फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा काफी इजी क्वेश्चन था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले आइए ए मैग्नेटिक कंपास नीडल ऑसिलेट्स थर्टी टाइम्स पर मिनट एट ए प्लेस वेर द डिप एंगल इज फोर्टी फाइव डिग्री एंड फोर्टी टाइम्स पर मिनट वेर द डिप इज थर्टी डिग्री टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट द टू प्लेज द रेशन बाई बी बेस्ट गिवन बाय देखो आप किसी को अगर आप किसी नीडल को जनरली क्या होता है जब हम ऑसिलेट करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नीडल को हॉरिजोटल मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में वो नीडल जो है ऑसिलेट करती है और ऑसिलेशन का जो टाइम पीरियड होता है टी इज इक्वल टू टू पाए अंडर रूट आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम इज द मैग्नेटिक मोमेंट एंड बी एच हॉरिजोनटल कॉम्पोनेंट ठीक है बी एच हॉरिजोनटल कॉम्पोनेंट बी एच लेंगे अपन और वो नीडल यू है ना ग्राउंड के पैरल जो है ना वो यू इस तरीके से डिफ्लेक्ट होगी बेटा तो यू ऑसिलेट होगी वो तो यहाँ पे बी एच लिखना है तो एक तो आपने उस मैग्नेटिक नीडल को एक ऐसी जगह पे पे angle 45 था। वहाँ पर रखा जहां पर डीप एंगल फोर्टी फाइव डिग्री था वहां पर मैग्नेटिक फील्ड बी वन है तो अगर डीप एंगल मान लीजिए थीटा वन है राइट या आप फाइव भी ले सकते हो चलो फाइव वन कर लेते हैं तो अगर डीप एंगल अगर फाइव है तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से आता है ठीक है, तो है और ये फाइव है डीप एंगल तो ये बी एच आता है और ये बी बी राइट तो यहां से अगर बी है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा बी कॉस फाइव आएगा ना बी कॉस फाइव आएगा कंफर्म है तो मैग्नेटिक फील्ड अगर बी वन है और अगर डीप एंगल अगर फाइव वन है तो बी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी बी वन कोस फाइव वन आई बात समझ में बी तो एच को हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड और डीप टर्म्स में लिखना है तो मैं इस फॉर्मूला को ऐसे अरेंज कर सकता हूं टी बराबर टू पाई अंडर रूट आई अपॉन में एम बी कोस फाइव है ना इस वे से आप इसको अरेंज कर सकते हो बेटा हमें टी की वैल्यू दे रखी है देखिए देखिए थर्टी टाइम्स पर मिनट है ना एक्चुअल में आ, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है आपको पर मिनट के हिसाब से देखा जाए तो पर मिनट के हिसाब से देखो थर्टी टाइम्स पर मिनट का मतलब है फ्रीक्वेंसी पर मिनट के हिसाब से देखें तो ठीक है तो उसको सेटल डाउन कर सकते हैं अपन इजीली इसका फ्रीक्वेंसी की टर्म्स में लिखेंगे तो वन अपॉन एफ हो जाएगा है ना तो एफ की वैल्यू हमारे पास यहां से आ जाएगी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन अपॉन टू पाए अंडर रूट एम बी कॉस अपॉन में आई अच्छा मैग्नेटिक नीडल वही की वही यूज कर रखी है और मैग्नेटिक नीडल में कोई चेंज नहीं किया इसका मतलब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज नहीं होगा आई चेंज नहीं होगा मैग्नेटिक मोमेंट भी चेंज नहीं होगा लेकिन बी जरूर चेंज होगा तो अब इसको कैसे सेटल करोगे आप देखो एफ वन बाई एफ टू अलग अलग जगह पे किया आपने अंडर रूट ठीक है बी वन कोस फाइव वन अपॉन बी टू कोस फाइव टू ठीक है अब बस अब वैल्यू निकाल दी हमें हमें बी वन बाई बी टू की वैल्यू निकालनी थी बेटा तो बी वन बाई बी टू कितना आएगा तो स्क्वेयरिंग कर देंगे अपन तो वन बाय बी आ जाएगा यहां पर हमारे पास एफ वन स्क्वेयर अपॉन एफ टू स्क्वेयर ठीक है स्क्वेयरिंग है वैसे भी रेशियो भी है साथ ही साथ और यहां पर कोस फाइव टू अपॉन कोस फाइव वन चलिए ये वैल्यू निकालनी तो बी वन एफ वन कितना है थर्टी है और एफ टू कितना है फोर्टी तो ये थर्टी ये फोर्टी थर्टी बाय फोर्टी थ्री बाय फोर का स्क्वेयर हो जाएगा थ्री बाय फोर का स्क्वेयर कितना आएगा नाइन बाय सिक्सटीन इन फाइव टू फाइव टू कितना है दूसरे केस में देखो फाइव वन तो है फोर्टी फाइव डिग्री और फाइव टू है थर्टी डिग्री कॉस्ट थर्टी आएगा यहां पर कॉस्ट थर्टी होता है ठीक है और फिर देन ये कॉस्ट थर्टी है देन कॉस फोर्टी फाइव मतलब वन बाय रूट टू तो ये सिकट जाएगा ये रूट टू बचेगा ठीक है रूट थ्री बाय रूट टू तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास यहां पर तो b1 वन बाई बी की जो वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे बेटा नाइन बाई सूट टू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी हमारे पास 0.7 पॉइंट सेवन के राउंड ठीक है 0.7 पॉइंट सेवन के राउंड इसकी वैल्यू आएगी अगेन कैलकुलेशन है ठीक है अगेन ये कैलकुलेशन आ रही है रफली uh, आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्योंकि अगर आप देखो तो सिक्सटीन को सेवन uh, से मल्टीप्लाई करें अगर अपन ठीक है तो सेवन से मल्टी क्योंकि रूट थ्री बाई रूट टू है तो इसकी वैल्यू ग्रेटर देन वन आएगी तो ग्रेटर देन वन आएगी तो नाइन से ग्रेटर देन वन से मल्टीप्लाई करोगे थोड़ा सा ज़्यादा आएगा और तो फिर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पॉइंट सेवन के अराउंड ये वैल्यू हमारे पास पहुँच जाएगी ठीक है क्योंकि सिक्सटीन इंटू सिक्स कितना होता है नाइटी सिक्स के अराउंड होता है ठीक है तो उससे थोड़ी सी ग्रेटर आएगी है तो उस वे से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं बेटा तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा अदर ऑप्शन की कंपरेटिवली देखें तो जीरो पॉइंट सेवन आ जाएगा बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें

और एक स्टेज में आने के बाद एच आप कितना भी इंक्रीज कर दो लेकिन बी बेटा फिक्स हो जाता है सेचुरेशन आ जाता है तो सेचुरेशन यहाँ पे क्लियरली नजर आ रहा है 1.5 है है ना 1.5 टेस्ला है सेचुरेशन तो सबसे पहले अच्छा इसने सेचुरेशन सबसे लास्ट में पूछा है तो सेचुरेशन में वन आएगा वन बेटा इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है है ना तो ये ठीक है लास्ट वाला सेचुरेशन पे आ गया आ, फिर ये वाला जो पॉइंट है अगर आप गौर से देखें जब वापस एच की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है वो यहां तक है देखो इसको बोलते हैं हम रेंटेटिविटी जिसकी वैल्यू है 1.5 1.0 टेस्ला तो जो रेंटेटिविटी जो है वो 1.0 टेस्ला है और रेंटेटिविटी जो है वो इसने फर्स्ट पे लिखा है तो 1.0 टेस्ला मतलब यहां पे आ रहा है देखिए देखो एंड देन ये जो अपोजिट डायरेक्शन में अगर आपने एच अप्लाई किया तो उसका जो जो मैग्नेटिज्म है वो पूरा पूरा है ना वो डी हो जाए खत्म हो जाए

स डेट वैन रोटेटेड स्लाइटली अबाउट इट्स डायमीटर एंड रिलीज इट स्टार्टॉर्मिंग सिंपल हारमोनिक मोशन ऑफ टाइम पीरियड टी विज एंड देन काफी सिंपल क्वेश्चन है ये सर्कुलर लूप है बेटा ठीक है सर्कुलर लूप है और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ है ठीक है ये सर्कुलर लूप है और आपने इसको डिफ्लैक्ट करके छोड़ा हल्का सा अभी देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही है इसका मैग्नेटिक मोमेंट लेकिन अगर हल्का सा भी अगर आपने इसको डिफ्लेक्ट कर दिया हल्का सा भी ठीक है हल्का सा डिफ्लेक्ट करके छोड़ा तो यूं ये ऑसिलेट होने लग जाएगी और ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड जो है टी बराबर टू पाई अंडर रूट आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन एम इंटू बी के बराबर होता है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आई थिंक हमें नहीं दे रखा है लेकिन इसका मास जरूर दे रखा चलिए एम इन बी लिख देते हैं अपन टी बराबर टू पाई अंडर रूट आई सबसे पहले बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की हम्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अगर आप रिंग का देखें तो ये डायमीटर आया ना डायमीटर के अबाउट कितना होता है एम आर स्क्र बाई टू के इक्वल होता है तो आई जो है वो आ जाएगा एम आर स्क्र बाई टू और ए जो है उसकी रेडियस है तो ए स्क्वेयर बाई टू आप लिखोगे इसको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया आई की वैल्यू आ गई नेट मैग्नेटिक मोमेंट की बात करें अगर हम मैग्नेटिक मोमेंट होता है आई इंटू ए आई इंटू ए करंट जो फ्लो कर रहा I A, area, area है आई इंटू एरिया है एरिया आप जानते हो पा होगा तो पाई ए स्क्तर आ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड बी दे रखा है तो बी आप रख सकते हो बेटा है ना तो सब कुछ हमने रख दिया है प्रॉपरली तो यहां से देखा जाए तो ए स्क्र से स्क्र देखो कैंसिल आउट हो गया बाकी कुछ नहीं बाकी सेम रहेगा टू पाई अंडर रूट यह आ जाएगा बेटा यहां पर एम ठीक है और अपॉन में टू आई अच्छा यहां पे जो आई है वो इलेक्ट्रिक करंट है ये ध्यान रखना ठीक है पाई बी ओके तो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास अंडरवुड में एम अपॉन में टू आई पाई बी थर्टी एट का अगर हम बात करें तो थर्टी एट का यहां पर जो वैल्यू है वो यहां कुछ गड़बड़ है इसको सेटल डाउन करें चलिए देखें एक बार वापस रिपीट करते हैं देखो इलेक्ट्रिक करंट आई है टू पाई अंडर रूड आई बाई एम बी आ जाएगा आई इज़ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज़ एम uh, ए स्क्वेयर बाई टू एंड देन अपॉन आई एम की वैल्यू आ जाएगी आई इंटू पाई ए स्क्वेयर और बी की वैल्यू जो है बी के इक्वल है बेटा तो आई पाई बी आ जाएगा यहाँ पर ओके okay. <coughs> टू पाई डिवाइड में आएगा ठीक है टू पाई यहां पर डिवाइड में आएगा तो ये जो ऑप्शन है इस ऑप्शन में आप टू पाई को डिवाइड में रखिए ठीक है तो ये थोड़ा करेक्शन है लेकिन करेक्ट आंसर जो है वो टू पाई अंडर अंडरवूड एम अपॉन में टू आई पाई बी के बराबर आ जाएगा बेटा ठीक है ना ये करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट आंसर यही है ठीक है क्वेश्चन नंबर थर्टी नाइन ए पैरामैग्नेटिक सैंपल शोज ए नेट मैग्नेटाइजेशन ऑफ सिक्स एम्पियर पर मीटर when it is placed in an external magnetic field of 0.4 tesla at a temperature of 4 kelvin when the sample is placed in an external magnetic field of 0.3 tesla at temperature of 24 kelvin then the magnetization will be to humse yahan par magnetization ki value puchhiye beta right aur Uh, यहाँ पर टेम्परेचर का रिलेशन भी आपको दे रखा है तो कहीं ना कहीं ये माइंड में आ ही जाता है कि इसमें क्यूरीज लो जो है वो डेफिनेटली लगेगा है ना नेट मैग्नेटाइजेशन जो है वो आपको दे रखा है सिक्स एम्पियर पर मीटर व्हेन इट इज प्लेस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट फोर टेस्ला एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई कर रखा है यहां पर ठीक है तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड की बात करें हम कैपिटल एच की वो आ जाएगा B बाई म्यू नॉट समझे और ये जो आपको दे रखा है ये है I, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग मैग्नेटाइजेशन कैपिटल ई की वैल्यू दे रखी है आपको ये तो आई और एच का जो रेशियो होता है वो काई होता है मैग्नेटिक मैग्नेटिकेबिलिटी और काई और टी के बीच में जो टेंचर है पैरामैगनेट मेटीरियल के साथ रिलेशन हम जानते हैं काई तो सी बाई टी होता है तो इसको प्रॉपरली अगर हम लिखे तो ऐसा लिख सकते हैं काई इज इक्वल टू सी बाई टी काई होता है बेटा आई बाई एच और एच होता है बी बाई म्यू नोट ठीक है ये आगे देखो है ना ठीक है तो मैग्नेटाइजेशन पूछा है मतलब आई की वैल्यू पूछी है अगर आप बी की वैल्यू चेंज कर दो टेंचर की वैल्यू चेंज कर दो तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं म्यू नॉट आई वन अपॉन बी वन इज इक्व टू सी बाई टी वन एंड म्यू नॉट आई टू अपॉन बी टू इज इक्वलो टू तो सी बाई टी टू करेक्ट ये रिलेशन बन गया कितना प्यारा सा अब इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं म्यू नॉट म्यूनोट कर जाएगा तो आई वन बाई बी वन आई टू बाय बी टू ठीक है यहां पर भी डिवाइड करेंगे तो टी टू पर आ जाएगा टी टू बाई टी वन ठीक है तो हमें आई टू की वैल्यू पूछी थी यहां पर तो आई टू की वैल्यू रख देंगे आई टू की फाइंड कर लेंगे सबसे पहले आई वन की बात करते हैं आई वन है सिक्स ये सिक्स रख दिया ठीक है बी टू बी टू है जीरो पॉइंट थ्री और बी वन है जीरो पॉइंट फोर तो ये प्रॉपरली लिखना है इसको बी टू है जीरो पॉइंट थ्री जीरो पॉइंट थ्री रख दिया हमने बी वन जो है वो जीरो पॉइंट फोर है जीरो पॉइंट फोर रख दिया ठीक है आई टू हमें फाइंड आउट करना है यहां पर बराबर टी टू फाइनल टेम्परेचर ट्वेंटी फोर कैलविन और ट्वेंटी फोर रख दिया और टी वन जो है वो आपके पास है फोर कैलविन फोर कैलविन रख दिया ठीक है बेटा यहां से ये पॉइंट उड़ जाएगा पॉइंट उड़ा दो और ये आ जाएगा सिक्स सिक्स से सिक्स कैंसिल आउट हो गया आई टू जो है वो आ गया हमारे पास थ्री बाई फोर ठीक है आई टू इक्व टू थ्री बाई फोर इसको सॉल्व करोगे अगर आप तो पॉइंट सेवन फाइव पॉइंट सेवन फाइव एम्पियर पर मीटर जो है इसकी जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है है ना वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी तो काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन था था बेसिक सा क्यूरीज है ना काई से जो मैग्नेटिक मैग्नेटिकेबिलिटी है आई बाई एच वाला रिलेशन उसी से ये हमारे पास रिजल्ट आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले एन आयरन रोड ऑफ वॉल्यूम एक आयरन रोड दे रखी है आपको इसका वॉल्यूम गिवन है एंड रिलेटिव िटी इज वन थाउजेंड इज प्लेसड एज कोर इन ए सोलिनॉइड विद पर सेंटीमीटर इफ ए करंट ऑफ जीरो मैग्नेटिक मोमेंट हमें फाइंड आउट करना है अगेन उसी टाइप का क्वेश्चन देखो आपने सोलेनोइड के अंदर एक रॉड रख दी ठीक है इस रॉड का जो रिलेटिव प्रेमिलिटी है न्यू आर वो आपको दे रखी है और बेटा म्यू आर हम जानते हैं अच्छे से वन प्लस काई होता है ठीक है प्लस काई के बराबर इसकी वैल्यू होती है म्यू आर की वैल्यू और काई जो है वो मैग्नेटिक सबिलिटी होती है जिसको हम लिखते हैं आई बाई एच ये भी हम अच्छे से जानते हैं एच होता है एक्सटर्नल फील्ड बाय म्यू नॉट ठीक है और आई होता है मैग्नेटिक टोटल मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन में वी वॉल्यूम ठीक है तो हमसे पूछा है रोड का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा तो आई को हम उस फॉर्म में लिख सकते हैं प्लस कैपिटल एम की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है बेटा और जो है वो एक्सटर्नल फील्ड के अकॉर्डिंग है एच आ जाएगा बी बाई म्यूनोट बी आ जाएगा म्यूनोट एनआई ड्यू टू सोलेनोइड एच म्यूनोट से डिवाइड कर दोगे तो सिंपल एन आई आ जाएगा तो एच की वैल्यू अगर कैलकुलेट करें तो एन टेन टर्स पर सेंटीमीटर है तो टेन टर्स पर सेंटीमीटर मतलब टू पावर नीचे आएगा ऊपर जाएगा तो टू टेंटी पावर टू हो जाएगा पॉजिटिव का तो ये वन आ गया और आई जो है करंट जो पास कर रहे हैं जीरो पॉइंट है बेटा ये वाली वैल्यू मैं यहां पे रख दूंगा एच की वैल्यू म्यूआर की वैल्यू आपको दे रही है थाउजेंड वन थाउजेंड रख दीजिए बराबर वन प्लस कैपिटल एम आपको फाइंड आउट करना है और वॉल्यूम भी दे रखा देखो आयरन रोड का टू टेंटी पावर माइनस थ्री है ये रख दिया जाए यहां पर एच की वैल्यू रख दो यहां पर देखो ये वन थाउजेंड है इज रख दिया और पॉइंट फाइव वन बाई टू होता है टू ऊपर आ गया ये थाउजेंड थाउजेंड कैंसिल आउट हो गया हंड्रेड माइनस वन थाउजेंड माइनस वन नाइन 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 आ जाएगा ट्रिपल नाइन इज इक्वल टू टू एम तो यहाँ से कैपिटल एम की वैल्यू कितनी आ गई ट्रिपल नाइन बाई टू ट्रिपल नाइन वन थाउजेंड ही होता है ऑलमोस्ट और वन थाउजेंड बाई टू अगर हम करें तो कितना आएगा पाँच सौ के पास आएगा तो वैल्यू पाँच सौ मीटर स्क्वेयर के अराउंड आएगी और 500 फाइव हंड्रेड एम्पियर मीटर स्क्वेयर जो है वो आप देख सकते हो इसके अंदर क्लियरली नजर आ रहा है सेकंड ऑप्शन ही है वैसे जो है वो आप निकाल सकते हो इसमें ठीक है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है ठीक है तो ये था नंबर क्वेश्चन काफी आसान था ये भी सिंपल फॉर्मुलायर ए बैंड इन शेप ऑफ एन आर कॉफ ए सर्कल कैरिंग ए करंट ऑफ टू एम्पियर एंड द शेप ऑफ आर्क ऑफ सर्कल कैरिंग ए करंट ऑफ थ्री एम्पियर एंड हैविंग रेडियस ऑफ फोर सेंटीमीटर आर प्लेस ऑन द फिगर द रेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू देर ड्यू टू द वायर्स ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर ओ इज सर्कुलर आर्क अगर करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है म्यूनोट आई अपोन में फोर पाई आर इंटू में थीटा थीटा जो एंगल जो बनाता है अब ये दो सर्कुलर आर्क है जो ए है ना वो 90 डिग्री नहीं बना रहा सॉरी ए का ये वाला एंगल 90 है तो रिमेनिंग एंगल जो है अंदर वाला वो कितना आएगा 360 सिक्सटी माइनस नाइन्टी मतलब 270 हो जाएगा और बी की बात करें बी के लिए 60 है तो 360 सिक्सटी माइनस सिक्सटी कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा तो बी के लिए 300 है थीटा और ए के लिए 270 ठीक है अब हम इसको लगा देते हैं तो आ, हमें बी वन बाई बी टू बी ए बाई बी बी निकालना है मतलब सबसे पहले ए का जो फील्ड है वो निकालना है और फिर बी का फील्ड वो निकालना है तो मीनोटन फोर बाई तो कट जाएगा तो ए वाली सबसे पहले ए वाला फॉर्म लगाऊंगा तो ए वाली करंट चाहिए ए वाली करंट कितनी है टू एम्पियर तो टू बाय रेडियस कितनी है टू सेंटीमीटर सेंटीमीटर में रखो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि रेशियो वैसे भी कट जाएगा और थीटा की बात करें तो ए का जो थीटा बन रहा है वो टू सेवेंटी डिग्री बन रहा है डिग्री में रख दो क्योंकि रेडियन में भी करोगे तो पाई वगैरह सब कट जाएगा तो टू सेवेंटी रख दो डिवाइड में अब बी जो है उसका फील्ड रखना है तो बी के लिए सबसे पहले करंट देखनी है बी के लिए करंट थ्री एम है रे थ्री आ गया राइट और एंगल देखना है बी का तो एंगल कितना आएगा थ्री हंड्रेड आएगा थ्री हंड्रेड आ गया और डिवाइड में आर होता है तो इसकी रेडियस कितनी फोर सेंटीमीटर बेटा तो फोर ऊपर चला जाएगा ठीक है तो इसको अब कट करना है सॉल्व करना है तो टू से टू कट गया और यहाँ पर जीरो जीरो कट गया बेटा और ये यह यहाँ पर फोर बचा हुआ है तो ये थ्री नाइन आ ना गया फिर थ्री से और कट दो ये टेन ये थ्री और ये ट्वेल्व बाई टेन आ गया बेटा ट्वेल्व बाई टेन आप जानते हो अच्छा रेशियो में प्रॉपर रेशियो में दे रखा है तो इसको टू से कट कर दो सिक्स और ये फाइव ठीक है तो सिक्स बाई फाइव आपको कहां पे मिल रहा है सेकंड ऑप्शन मिल रहा है तो 41 है बेटा तो जो उसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा सेकंड ऑप्शन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले आइए स्मॉल बार मैग्नेट इज मूव थ्रू ए कॉइल एट ए अस्टेंट स्पीड फ्रॉम वन एंड टू द अदर विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द ऑब्जर्वेशन विल बी सीन ऑन द गैलोमीटर जी अटैस्ड अक्रॉस द कॉइल ठीक है तो एक मैग्नेट को अगर आप इस कॉइल में से पास करवाते हो तो जब ये कॉइल जब बेटा यहां आएगी इस सिरे पे आएगी तो फ्लक्स में चेंज आएगा तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन आएगा कन्फर्म है ठीक है शुरुआत शुरुआत में ये अंदर की तरफ जा रहा है तो गैलोमीटर में डिफ्लेक्शन किसी ना किसी एक तरफ आएगा फिर जब ये अंदर पास होगा तो धीरे 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 डिफ्लेक्शन में थोड़ी कमी आएगी और जैसे जब बाहर आएगा तो डिफ्लेक्शन अब ये दूर जा रहा है वापस आ रहा है तो डिफ्लेक्शन अपोजिट आएगा क्यों काफी सिंपल है कॉइल के अंदर जब आएगा अंदर आएगा तो वो अपोज करेगा आने से रोकेगा तो उसमें एक करंट जो है किसी न किसी डायरेक्शन फ्लो होगी और जब बाहर जाएगा तो वापस बाहर जाने के लिए रोकेगा तो करंट एकदम उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होगी तो गैलमिट में डिफ्लेक्शन डेफिनेटली सी और ए में चेंज आएगा और सी से जब ए पी की तरफ मूव करेगा तो मिडिल पॉइंट पे डेफिनेटली जीरो आएगा और बाकी जो है वो वेरिएशन में चेंज जाएगा ठीक है ना वेरिएशन में चेंज जाएगा बेटा तो इसके अकॉर्डिंग ग्राफ पहचानना काफी आसान है जैसे फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया सेकंड में तो बराबर दे रखा है वो भी इनकरेक्ट हो गया थर्ड में देखा जाए तो एक इनकरेक्ट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है फोर्थ में देखा जाए तो देखो करंट गैलोमीटर में पहले तो एक तरफ दे रहा है फिर सी uh, पे जैसे आया तो एक तरफ दे रहा है अपोजिट होगी ना तो यहीं से ही आप जज कर लोगे कि फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस्ड विद इट्स एक्सिस एट 30 डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ 0.6 टेस्ला एक्सपीरियंस इज ए टॉर्क ऑफ जीरो रिक्वायर टू रोटेट इट फ्रॉम इट्स स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन इज ओके ठीक है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी कितनी होती है मैग्नेट की माइनस एम बी क्योंकि एनर्जी होती है मैग्नेट की माइनस माइनस एम वैक्टर डॉट बी वैक्टर तो स्टेबल होता है जब थीटा जीरो होता है तो माइनस का एम बी एनर्जी होती है और जब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लेके जाएंगे तो थीटा वन एटी हो जाएगा तब एनर्जी हो जाएगी एम बी और वर्क रिक्वायर टू मूव द बैग नेट फ्रॉम स्टेबल टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इज यू फाइनल माइनस यू इनिशियल विच इज एम माइनस ऑफ माइनस एमबीच मीन टू एम बी सो डन इज टू एम बी वकडन टू एमबी का इक्वल होगा बेटा अब यहां पर आपको क्या एम दे रखा है नहीं दे रखा फील्ड की वैल्यू जरूर दे रखिए जीरो पॉइंट सिक्स लेकिन एम गीवन है लेकिन एम को फाइंड करना है तो देखो स्मॉल बार मैग्नेट प्लेस इज एक्सिस एट थर्टी डिग्री विद एन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस इज टॉर्क ऑफ जीरो पॉइंट जीरो इसका मतलब टॉर्क की वैल्यू दे रखी है जब आप थर्टी डिग्री भी रखते हो तो टॉर्क हम जानते हैं टो तो बराबर एम क्रॉस भी होता है और यहां पे थीटा थर्टी है बेटा तो एम बाइन थीटा राइट एमक्रॉस बी ए साइन थीटा एंड थीटा इज थर्टी डिग्री देन साइन थर्टी बाई टू तो यहां पे टॉर्क की वैल्यू आपको 0.018 दे रखा है बेटा और एम जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो पता नहीं है बी की वैल्यू 0.6 पॉइंट सिक्स बाई है ये राइट आप इसमें डायरेक्ट है ना एम की वैल्यू रख सकते हो डायरेक्ट एम की वैल्यू रख सकते हो तो ये एम जो है वो टू टाइम्स ऑफ ये वाली क्वांटिटी आ जाएगी देखो टू इंटू जीरो पॉइंट जीरो और ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे तो यहां पर डब्ल्यू जो है वो टू टाइम्स ऑफ एम आएगा तो वो फोर टाइम्स हो जाएगा फोर इंटू जीरो पॉइंट जीरो वन एट ठीक है अब इसको अगर आप सोल्व करो तो आप रख सकते हो बेटा देखो ये जीरो 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 तो टेंट तो दावर माइनस थ्री को फ्री कर देते हैं अपन तो ये एटीन इंटू फोर आ गया तो ये कितना आएगा दो तीन और सेवनटी टू राइट ये सेवनटी टू इंटू टेंट दि पावर माइनस थ्री आ गया या आप इसको लिख सकते हो सेवन पॉइंट टू इंटू टेंट माइनस टू जूल तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा फोर्टी थ्री का बेटा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ऑफ स्क्वायर लूप मेड मेटल वायर द वायर हैज डायमीटर ऑफ एंड डायमी टोटल लेंथ ऑफ थर्टी सेंटीमीटर द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट ए स्टडी रेट डीबी जीरो पॉइंट जीरो इन द लूप इज क्लोज टू इंड्यूस्ड करंट पूछिए आपसे ठीक है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी एग्जिस्ट कर रहा है है ना और डायमीटर आपको गिवन है फोर एम mm है टोटल लेंथ आपको गिवन है द मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम एट ए स्टडी रेट डीबी बी बाई डीटी ओके तो डीबी बी बाई डी दे रखा है बेटा इसका मतलब लूप से जो पास होने वाला जो फ्लक्स है वो चेंज होगा फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें जो इंड्यूस डी एम एफ इज इक्वल टू वो कितना आएगा वो आ जाएगा हमारे पास डी फाई बाई फाई की बात करें डी फाइ बाईडी की बात करें तो उसमें जो एरिया वो तो फिक्स है आपके पास है ना टोटल जो लेंथ है स्क्वेयर लूप की वो आपको गीवन है देखो थर्टी सेंटीमीटर तो टोटल लेंथ जो होती है loop, अगर स्क्वेयर लूप है अगर साइड लेंथ अगर मैं ए कंसिडर करूँ तो टोटल लेंथ फोर ए हो जाएगी फोर ए हो जाएगी तो एरिया कितना आएगा इस केस में एरिया आ जाएगा ए स्क्वेयर ठीक है ए स्क्र और इनटू में डी बी बाई डी टी ये ई एम एफ आ गया और यहाँ पे जो फोर ए है वो थर्टी सेंटीमीटर के इक्वल है थर्टी इंटू टें पावर माइनस टू तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ गई थर्टी इंटू टेन टू दी पावर माइनस टू बाई फोर आपके पास ए आ गया आ मतलब साइड लेंथ आ गई तो E इज़ इक्वल टू आ जाएगा आपके पास थर्टी पावर माइनस टू बाई फोर का स्क्वायर और इंटू में डीबी डीबी बट आपको देखा जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू यह आपके पास ई आ जाएगा और जब ई आ जाएगा उसके बाद में आपको इंड्यूस्ड करंट है तो ई एम उसी लूप के अंदर जनरेट होगा तो इंड्यूस्ड करंट जो आएगा वो आएगा E रेजिस्टेंस ऑफ लूप जो भी है जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है उसके कारण कारण होगा होगा और और इसके अंदर current फ्लो बेटा और resistance जो है किसी भी वायर के लिए आप कैसे लिखते हो रो एल बा सेक्शनल एरिया, एरिया इज पाई स्मॉल आर स्क्वायर ठीक है स्मॉल आर स्क्वायर या अगर वायर का क्रॉस सेक्शनल जो डायमीटर आपको दे रखा हो स्मॉल डी है जैसे डायमीटर तो डायमीटर अगर स्मॉल डी है तो उसके इसमें लिख सकते हैं पाई डी स्क्र बाय फोर राइट तो ई बाय आर आर इज रो एल बाय ए एंड एरिया इज पाई डी बाय फोर तो यहां से बेटा ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी है देखो ये जो ई है ना यहां से आप रख दोगे आर की रो की जो वैल्यू है वो आपको दे रखी है रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल वायर इज वन पॉइंट टू थ्री इंटू ट्वेंटी फोर माइनस एट ओम मीटर रेजिस्टिविटी गिवन गिवन है, है, है लेंथ आपको पता ही है, कितनी 2, 3 में, तो यहां पे रख दोगे फोर इंटू ट्वेंटी पावर माइनस थ्री का तो होल करंट आ जाएगी अगेन ये कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन गया कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है ये ठीक है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो अगर आप इसकी वैल्यू रखोगे बेटा इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो क्या आ जाएगा फोर्थ आ जाएगा करेक्ट आंसर इसका 0.61 पॉइंट सिक्स है वैसे ये इलेक्ट्रोमैगनी इंडक्शन का क्वेश्चन है ठीक है बट क्वेश्चन है आसान टेक्निकली देखा जाए क्वेश्चन आसान है हाईफाई नहीं है लेकिन कैलकुलेशन इसमें है बेटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले

टू कीप दिस कॉल पैरल टू द मैग्नेटिक फील्ड मतलब coil अगर, है ना, आ, अगर इसको एसिड्रॉ करूं तो मैग्नेटिक फील्ड यू है पैरल है मैग्नेटिक फील्ड इसका मतलब यह हुआ कि एम वैक्टर एम वैक्टर इस कॉल का यू आएगा बाहर की तरफ आ, मतलब अगर करंट मैं यू फ्लो करवा दू तो बाहर की तरफ आएगा और बी इस तरफ है तो बी और एम के बीच में एंगल कितना नाइनटी है तो एम क्रॉस भी क्या एम बी साइन नाइनटी तो ये वन हो जाएगा तो टॉर्क तो की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है बेटा हालांकि टॉर्क दे रखा है ओके okay. टॉर्क दे रखा है टॉर्क की वैल्यू है 1.5 1.5 न्यूटन न्यूटन मीटर मीटर तो यहां रख देते हैं अपन एम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है और उसकी वैल्यू होती है इज द नंबर ऑफ टन फाइव हंड्रेड करंट करंट की वैल्यू है जीरो पॉइंट और इंटू में एरिया एवरेज एरिया इज थ्री इंटू टेंट दी पावर माइनस फोर तो थ्री इंटू टेंट दावर माइनस फोर रख दो आप इंटू में बी बी की वैल्यू बेटा आपको फाइंड आउट करनी है ठीक है बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको तो यहां से ये पॉइंट फाइव ये चलो या तो पॉइंट फाइव यहां से रिमूव कर देते हैं ये फाइव बचा और यहां पॉइंट हटा दो फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन 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 कट गया टेंट दावर माइनस फोर इधर आ जाएगा और अपॉन में पांच सौ बराबर बी आ गया बेटा ये इससे जीरो जीरो कट गया इससे काटोगे तो कितना आएगा ट्वेंटी तो ट्वेंटी टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा बेटा करेक्ट चलिए आगे चलें मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एस आई यूनिट एट सेंटर ऑफ हेक्सागोनल शेप ऑफ कॉइल ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर फिफ्टी टर्न एंड कैरिंग करंट आई एम्पियर इन यूनिट ऑफ म्यूनोट आई बाई हेक्सागोनल राइट तो हेक्सागोनल एक लूप है बेटा कुछ इस टाइप से और हेक्सागन की खास बात रेगुलर हेक्सागन है ये और रेगुलर हेक्सागन की खास बात ये होती है कि जितने भी एंगल बनते हैं जितने भी ट्रायंगल बनते हैं सारे इक्विलेटर ट्रायंगल होते हैं तो मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रिक करंट आई फ्लो करवा रहे हैं अपन और इसके टर्न्स भी गिवन है इवन 50 टर्न्स हैं ठीक है इस चीज का ध्यान रखना है अपन को तो मैं अगर एक सिंगल टर्न की बात करूं उसके लिए मैं आपसे पूछूं कि इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है तो वो कैसे निकाले अपन बहुत ही आसान है कैसे देखो ये साइड लेंथ अगर एल है तो ये भी एल हो जाएगा क्यों क्योंकि ये इक्वेलेटर ट्रा बन रहा है तो इस वाले वायर के कारण अगर मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइन करनी पड़ेगी ये वाली ये वाली आर है और ये पूरा 60 है तो ये वाला एंगल 30 आ गया और ये वाला एंगल भी 30 के इक्वल है ठीक है तो यहां पर अगर ये एल है तो ये आर जो है वो एल कॉस थर्टी आ जाएगा अगर आप इस राइट एंगल ट्रा को देखो तो आर जो है वो एल कॉस थर्टी के बराबर आएगा पक्का सो तो यर आर इज इक्वल टू एल कॉस थर्टी कॉस थर्टी होता है रूट थ्री बाई टू तो एल रूट थ्री बाई टू के बराबर आ जाएगा तो इस स्ट्रेट वायर के कारण इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं आपसे पूछूं तो उस फील्ड की वैल्यू क्या आएगी म्यू नॉट आई अपोन में फोर पाई आर आर की वैल्यू है एल रूट थ्री बाई टू टू को ऊपर ले जाइए कितना टू इंटू वन बाई टू मतलब वन आ जाएगा, मतलब जाएगा. आया कि नहीं है तो एक सिंपल वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड इतना आएगा अब इसमें कितने वायर्स हैं ऐसे सिक्स वायर्स हैं सारे के सारे आइडेंटिकल हैं तो इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इसका सिक्स टाइम्स होगा ये कंफर्म है सिक्स टाइम्स भी होगा ये एक टर्न के लिए और इसमें फिफ्टी टर्न है पचास है तो फिफ्टी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर तो आपको 50 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा अब आंसर जो है म्यूनोट आई बाई पाई की टर्म्स में आना चाहिए तो उसका जो कॉफिशियंट है वो बताना है बेटा अपन को तो कॉफिशियंट कैसे कैलकुलेट करें तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा 2 से इसको कट करो तो ये 2 आ जाएगा करेक्ट एंड देन फिर फर्दर इसको कट करो तो ये 25 आ गया है ना और एल की वैल्यू कितनी है यहां पर अच्छा एल और आई की वैल्यू भी रखनी पड़ेगी हमें फिफ्टी ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स ठीक है ट्वेंटी फाइव इंटू सिक्स इंटू म्यू नॉट और आई जो करंट है वो इज रखो अपॉन में अपॉन में पाई भी आएगा रूट थ्री भी आ रहा है और एल भी आएगा यहां पर राइट एल भी आएगा एल है लेंथ और कोइल ऑफ साइड टेन सेंटीमीटर आपको गिवन है बेटा राइट टेन सेंटीमीटर गिवन है तो टेन रख दीजिए यहाँ पर सेंटीमीटर में मीटर में बदलोगे तो टेन बाय हंड्रेड करना पड़ेगा तो ये ज़ीरो तो ये टेन का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा राइट right? टेन का मल्टीप्लाई ऊपर हो गया यहाँ से आ, ये टू फिफ्टी आ जाएगा और ये सिक्स है सिक्स को लिख सकते हो थ्री इंटू टू तो ये रूट थ्री ये रूट थ्री बच जाएगा यहाँ पर तो ऑप्शन में रूट थ्री भी आ रहा है तो रूट थ्री को फ्री कर दो और ये ट्वेंटी फाइव इंटू टू कितना आया फिफ्टी फिफ्टी इंटू टेन कितना आ जाएगा फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड रूट थ्री और बाकी क्वांटिटी जो है वो म्यूनोट आईओपोन में पाई आ जाएगी तो जो म्यूनोट आईओपोन में पाई के टर्म्स में आपको जवाब देना है तो उसका जो कॉफिशेंट है वो कितना फाइव हंड्रेड रूट थ्री आ जाएगा और ये बेटा हमें मिल रहा है फोर्थ ऑप्शन के अंदर ठीक है तो करेक्ट ऑप्शन हो गया फोर्थ नेक्स्ट चलिए एन इलिप्टिकल लूप हैविंग रेजिस्टेंस आर ऑफ सेमी मेजर एक्सेस ए एंड सेमी माइनर एक्स बी इज प्लेसड इन मैगनेटिक फील्ड एच ऑन फिगर इफ द लूप इज रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सेस विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा द एवरेज पावर लॉस इन द लूप ड्यू टू जूल हिटिंग इज सीधी बात इस लूप को जब आप रोटेट करोगे तो इसमें इंड्यूस डीएमएफ जनरेट होगा राइट किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के लिए अगर मैं बात करूं तो इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कितना आएगा वो आ जाएगा डी डॉट ए बी इंटू एरिया एरिया कितना आता है इलिप्स का पाई ए बी ठीक है इंटू कॉस थीटा थीटा अगर ओमेगा टी है एंग्लो फ्रीक्वेंसी एंग्लो स्पीड ओमेगा से अगर आप इसको घुमा रहे हो ठीक है रोटेट करवा रहे हो तो थीटा की वैल्यू ओमेगा टी हो जाएगी तो ये तो फ्लक्स आया और इंड्यूस डी एम एफ जो माइनस का डी फाइव ए डी टी होता है और टर्न्स इसमें कुछ नहीं दे रखे हैं तो एन की वैल्यू ए ही है बी पाई ए बी कॉस का माइनस साइन माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा

क्योंकि रेजिस्टेंस ही दे रखा है को एस स्क्तर बाई आर ये E है E है बेटा की ये पीक वैल्यू वैल्यू देखो और इसका निकालोगे तो आप जानते हो बाय रूट टू करना पड़ेगा और स्क्वेरिंग भी रूट टू तो तो का स्क्वायर करोगे टू आ जाएगा और बाय आर भी है रेजिस्टेंस भी है ये लो ये वैल्यू आ गई तो इतना लॉस आ जाएगा बेटा तो स्क्वेयरिंग आनी चाहिए टू भी आना चाहिए तो टू बेटा सेकंड ऑप्शन में आ रहा है बाकी चेक कर लो पाई स्क्र ए स्क्र स्वयं बी भी आ रहा है बी स्वेर कैपिटल बी भी आ रहा, omega square भी आ रहा रहा है है ओमेगा करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा बेटा सेकंड हो जाएगा तो काफी सिंपल क्वेश्चन था बस एरिया जो है एलिप्स का कितना आ जाएगा पाई ए बी आ जाएगा उसी टर्म्स में फिर ये आंसर आ जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चले ए वायर कैरिंग करंट आई इज बैंड इन द शेप ए बी सी डी ई एफ ए एक लूप दे रखा है बेटा देखिए ए बी सी डी ई एफ ए फिगर वेयर रेक्टेंगल ए बी सी डी एंड ए डीई एफ एर प्रच अदर इथ एंड बी ओकेट्यूड एंडग्नेटिक मोमेंट द लूप ए बी सी डी ई एफ ए इज तो मैग्नेटिक मोवमेंट की वैल्यू बतानी है साथ ही साथ आपको इसकी डायरेक्शन भी बतानी है राइट right, डायरेक्शन मतलब बोले तो यूनिट फैक्टर आपको बताना है यहां पर ठीक है तो यूनिट फैक्टर को चेक करेंगे अभी तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इस लूप की देखो ये ध्यान से देखना ये इस लूप को आपने बैंड कर दिया है तो आप इसको दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हो बेटा देखो एक तो ये वाला पार्ट हो गया एक ये वाला पार्ट हो गया दोनों को सुपर इम्पोज करवा दो तो इसमें अगर करंट अगर ऐसे फ्लो कर रही है देखो यूं जा रही है इसमें यूं जाएगी और इसमें भी ऐसे जा रही है देखो यूं गई यूं गई यूं गई और ये यूं गई तो इसमें टोटल करंट जीरो हो गई ना लेकिन इंडिविजुअली आप इन दोनों को तोड़ सकते हो दो पार्ट के अंदर तो ये वाला लेंथ ए है ये वाला लेंथ भी ए के इक्वल है और ये बी के इक्वल है बेटा ये दे तो नहीं रखा खैर ये एग्जैक्टली exactly मिड में से ही आपने इसको बैंड किया है तो ये ए ही होना चाहिए और ये बी है तो सबसे पहले मैं इस लूप की बात करूं तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो करंट के अलोंग राइट एंड थंब रूल को यूज करेंगे करंट को कर्ल करवाना है और जो थंब है वो एम वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा तो इस लूप के लिए बेटा अगर करंट अगर आई है और एरियाइज का ए बी आ जाएगा ना तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो किस तरफ आ रहा है देखो ध्यान से देखो वाई डायरेक्शन की तरफ आ रहा है आ रहा है ना इस तरफ तो इस वाले लूप का जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो आ जाएगा हमारे पास आई करंट एरिया ये मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन किस तरफ है डायरेक्शन मतलब कैप अब हम इस लूप की बात करेंगे इस लूप का मैग्नेटिक मोमेंट जो वो देखो किस तरफ आएगा ऊपर की तरफ आएगा ना क्योंकि करंट यू जा रही है तो करंट यू है तो इसके कारण ऊपर आएगा जेड डायरेक्शन मतलब के कैप इसकी वैल्यू भी कितनी आएगी आई इंटू में एरिया आई इंटू में ए बी और डायरेक्शन क्या है के कैप ऊपर की तरफ सही है ये लो तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना आ जाएगा फिर एम वैक्टर इज इक्वल टू IAB तो कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में आ जाएगा कैप प्लस के कैप इसका मैग्नीट्यूड पूछे तो मैग्नीट्यूड कितना, IAB और, इसका कितना और वो आपको फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन में मिल रहा है और डायरेक्शन की बात करें डायरेक्शन कैप प्लस के कैप के लो तो डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट किया जाता है यूनिटर से तो कैप प्लस के कैप का यूनिट वैक्टर क्या बाई रूट टू वैक्टर का मॉडल तो इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगा कैप प्लस के बाई टू तो इसको सेपरेट कर सकते हो आप यहां पर काफी आसान है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ आ जाएगा जाएगा बेटा फर्स्ट ठीक है तो काफी इजी क्वेश्चन था ये है ना सिंपल कैटेगरी में था ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है द फिगर शोज ए रीजन ऑफ लेंथ एल विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ जीरो पॉइंट थ्री टेस्ला इन इट ओके एंड ए प्रोटोन एंटरिंग द रीजन विदोसिटी फोर इंटू ट्वेंटी पॉल फाइव मीटर पर सेकेंड मेकिंग एन एंगलटी डिग्री बेटा है गोलगोल घूमेगा क्योंकि यहां पर प्रोटोन जो है वो मैग्नेटिक फील्ड से सिक्सटी डिग्री एंगल पर एंटर कर रहा है बेटा ठीक है सिक्सटी डिग्री एंगल पर एंटर कर रहा है तो आप देखते हैं चलो किस पे सोल्व करना है तो ये 60 डिग्री एंगल आया यहां पर ये प्रोटॉन जो है वो एंटर करता है तो ये वाला एंगल भी 60 आ गया तो फील्ड के साथ वेलोसिटी की जो आ, जो डायरेक्शन या जो एंगल है वो 60 डिग्री है तो पाथ हेलिकल होगा <coughs> अगर v और b के बीच में एंगल आता है तो पाथ हेलिकल होता है ये हम जानते हैं इस टाइप से और सेम पिच होती है <coughs> ये फर्स्ट इवोल्यूशन आ गया एक ये सेकेंड ये थर्ड ये फोर्थ ये फाइव ये पिच लेंथ पी ये भी पी ये भी पी, ये भी पी <coughs> तो हेलिकल पाथ के लिए पिच की वैल्यू कितनी होती है टू पाई एम बाई क्यू बी इंटू मे वी कॉसिटा और अगर ये एग्जैक्टली टेन रिवोल्यूशन कंप्लीट कर रहा है तो ये पी प्लस पी प्लस पी प्लस, 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 प्लस पी कितना हो जाएगा टेन पी हो जाएगा ना तो ये जो लेंथ एल आपको गीवन है बेटा ये एल एग्जैक्टली टेन पी के बराबर आ जाएगा ठीक है तो इसको मैं पी आ, एल लिख देता हूं एल इज इक्वल टू टेन टाइम्स ऑफ पी ये पी आपके पास आ ही चुका है और हमसे एल की वैल्यू पूछी है लगभग एल की वैल्यू कितनी आएगी बाकी बेटा कुछ नहीं करना इसमें वैल्यू रखनी है मास वेलोसिटी सब कुछ आपको दे रखा है तो एल इज इक्वल टू टेन इंटू टू पाए मास ऑफ प्रोटोनिज पॉइंट सिक्स सेवन या जो भी है टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन ये मास रख दिया वेलोसिटी आपको दे रखी है फोर इंटू टेन टू पावर फाइव ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा कॉ सिक्स थीटा इज सिक्सटी डिग्री कॉ सिक्स वन बाई टू वन बाई टू रख दिया Into 10 to इज power प्रोटोन 19 इज magnetic field जो है वो आपको दे आपको दे 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 रखा 0.3 ये ये कुछ रखी रखी बेटा पर right? और कोई नहीं है ये value दे है calculation again, calculation तो है ठीक हाँ कैलकुलेशन अगेन वही सेम चीज आ गई कैलकुलेशन तो भैया बार बार आ रही है देखो बार बार calculation आ रही है तो roughly आपको इसको solve करना है ठीक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हल्के से और सब सॉल्व करोगे बेटा तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा सेकंड, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मैग्नेटिक मटेरियल्स यूज्ड फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट्स पी एंड मैग्नेट्स इन ए ट्रांसफॉर्मर टी हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रॉपर्टी बेस्ट मैचेस फॉर द टाइप ऑफ मैग्नेट रिक्वायर्ड मैग्नेट बनाना है आपको ठीक है परमानेंट मैग्नेट और एक ट्रांसफॉर्मर का मैग्नेट बेटा ट्रांसफॉर्मर जो होता है उसमें जो मैग्नेट हम लेते हैं जो फेरो मैग्नेटिक मेटीरियल हम जो यूज करते हैं ठीक है ट्रांसफॉर्मर में लगातार मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्चुएशन चलता है ठीक है तो वो जो आयरन हम यूज करते हैं वो सॉफ्ट आयरन होना चाहिए हार्ड आयरन नहीं होना चाहिए सॉफ्ट आयरन होगा और उस आयरन के लिए रेंटेटिविटी ले लो या कोरेसिविटी ले लो दोनों की वैल्यू कम होनी चाहिए मतलब ट्रांसफॉर्मर के लिए ताकि एनर्जी लॉस कम हो कर्व आपने पढ़ा होगा ठीक है स्टेरेसिस करो बेटा कुछ इस टाइप से होता है ये एरिया जितना ज्यादा होता है ना उतना एनर्जी लॉस ज्यादा होता है क्योंकि जो मेटीरियल हम यूज करते हैं वो मैग्नेटाइज होता है डीमैग्नेटाइज होता है ये प्रोसेस लगातार चलती रहती है तो जितना एरिया ज्यादा होता है ना उतना एनर्जी लॉस होता है तो ट्रांसफॉर्मर में लगातार मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइजेशन चलता रहता है क्योंकि उसमें अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होती है ना तो ये तो होती है रेंटेटिविटी रेजिडल मैग्नेटिज्म और ये होता है कॉरेसिविटी ट्रांसफॉर्मर के लिए इन दोनों की वैल्यू कम होनी चाहिए मतलब ये लूप पतला होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर के लिए कर्व कुछ ऐसा आना चाहिए बेटा देखो तो रेंटेटिविटी भी कम होनी चाहिए और कॉरेसिविटी भी कम होनी चाहिए लेकिन परमानेंट मैग्नेट होता है ना परमानेंट मैग्नेट में ये लार्ज होती है वैल्यू ये कर्व मोटा होता है परमानेंट मैग्नेट मतलब आपने मैग्नेटाइज करना स्टार्ट किया ठीक है सेचुरेशन पर पहुंचे वापस बैक लेके आए एच को कम करना स्टार्ट किया तो देखो रेजिडुअल मैग्नेटिज्म इतना बच गया इसके अंदर तो ये जितनी हाइट ज्यादा होगी ना परमानेंट मैग्नेट के लिए उतना ही अच्छा रहेगा बात समझे और ये भी लार्ज होगा तो परमानेंट मैग्नेट magnet में मैग्नेटाइजेशन जो हो चुका है उसको अगर आपको डिस्ट्रॉय करना खत्म करना है तो एच की वैल्यू भी लार्ज होनी चाहिए ठीक है तो अब आप इसके अकॉर्डिंग आंसर देख सकते हो जो परमानेंट मैग्नेट है उसके लिए स्मॉल रेंटेटिविटी लार्ज कोरेसिविटी नहीं लार्ज रेंटेटिविटी लार्ज कोरेसिविटी यस ट्रांसफॉर्मर के लिए ये दोनों लो होने चाहिए ये ये कह रहा है ये लार्ज ये लार्ज गलत हो गया लार्ज स्मॉल ये भी गलत है तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा सेकंड आ जाएगा लार्ज रेंटिटिविटी परमानेंट मैग्नेट के लिए और लार्ज कॉरेसिविटी ओके तो सिंपल थियोरटिकल क्वेश्चन था थ्योरटिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं भैया जयंस के अंदर ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ए बीम ऑफ प्रोटोन्स विद स्पीड फोर इन टेंट दाइव मीटर पर सेकंड एंटरफॉर्म मैगनेटिकिल्ड ऑफ जीरो पॉइंट थ्री ट्रेस एट एंगल सिक्स डिग्री टू दगेनिक फिल दिच ऑफ रिजल्टिंग हेलिकल पार्ट दोन इज क्लोज टू अगेन पिच का आप जानते हो बेटा पिच की वैल्यू टू पाई एम बाई क्यू बी इन टू में वी कॉसिटा होता है ये पिच है बेटा बाकी इसमें क्या करना है वैल्यू तो रखनी है टू पाई एम एम मास है और मास आपको पता है यहां पर वन पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू दावर माइनस ट्वेंटी सेवन है सेवन भी आ जाएगा यहां पर वेलोसिटी फोर इंटू टेन टू दावर फाइव है और थीटा की वैल्यू कितनी है यहां पर थीटा इज सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री मैग्नेटिक फील्ड राइट मैग्नेटिक फील्ड के साथ होना चाहिए ध्यान रखना ऐसा नहीं कि हमेशा कोई भी एंगल दे रखा हो तो ये थीटा एज इट इज रख दो तो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सिक्सटी है तो कॉ सिक्सटी यहां पर आ जाएगा वन बाई टू और बाकी चार जो फिलेक्ट प्रोटोन है वो आपको वन पॉइंट सिक्स नाइन दे रखा है ओके कोई इशू नहीं है टेंट दी पावर माइनस नाइनटीन वन पॉइंट सिक्स ही देना चाहिए वैसे तो चलो कोई नहीं इंटू में बी बी की वैल्यू आपको दे रखी है जीरो पॉइंट थ्री टेस्ला वही सेम उसी टाइप का रिलेशन आ चुका आपके पास और यहाँ पर आपको पिच की वैल्यू बेटा बतानी है ठीक है और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास रफली जो वैल्यू है वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फोर सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी क्योंकि वैसे तो कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कट कर सकते हो इसको ये टेंट द पावर माइनस नाइनटीन है ये माइनस ट्वेंटी सेवन है ठीक है तो ये कितना आ जाएगा ये आ जाएगा माइनस एट यहाँ पे माइनस एट बचेगा और बाकी अगर देखें तो ये टेंट दि पावर फाइव है ये टेंट द पावर माइनस का थ्री बचेगा यहाँ पर ओके ये टू से टू कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फोर इंटू पाई और बाकी है टेन टू पावर माइनस थ्री बाई ज़ीरो पॉइंट थ्री है है ना ज़ीरो पॉइंट थ्री है और इसको पॉइंट थ्री को ऊपर ले जाओ टेन ऊपर जाएगा तो ये टू हो जाएगा यहाँ पर और थ्री है ये पाई है तो पाई से थ्री को ऑलमोस्ट कट कर दो लगभग लगभग है ना तो फोर बचेगा तो फोर इंटू टेन टू पावर माइनस टू मीटर आ गया और टेंस टू मीटर है सीधी सी बात है फोर सेंटीमीटर की बराबर लगभग वैल्यू आ जाएगी तो ऑलमोस्ट वैल्यू जो है फोर सेंटीमीटर के राउंड आ जाएगी बेटा ठीक है चलिए आगे ए प्रोटोन एंड एंड अल्फा पार्टिकल ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्साइवेक्टिव पार्टिकल टू रेशन ऑफ द के पी टू के तो एल्फा पार्टिकल और प्रोटोन है बेटा प्रोटोन का मास अगर मैं एमपी लू तो एल्फा पार्टिकल का मास कितना आएगा फोर क्योंकि एल्फा पार्टिकल में दो प्रोटोन और दो न्यूट्रोन होते हैं तो ऑलमोस्ट फोर हो जाएगा और अगर चार्ज की बात करूं प्रोटोन का प्लस ई e है तो इसपे टू ई e होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर तो चार्ज पार्टिकल जब रिवॉल्व करता है सर्कुलर पाथ के अंदर तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आता है एम वी बाय क्यूबी एम वी बाय क्यूबी और एम वी को बेटा आप एम वी इज द लिनियर मोमेंटम तो उसको आप काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में क्या लिख सकते हो अंडरू टू एम के और बाय ये तो आ गया एम पूरा कंप्लीट बाय क्यू ये रेडियस होता है बेटा ठीक है तो रेडियस का रेशियो आपको दे रखा है तो रेडियस जैसे आपको सबसे पहला क्या दे रखा है प्रोटोन दे रखा है तो ये आर पी आ जाएगा अपॉन आर एल्फा बराबर बाकी अगर देखो तो बी तो वैसे भी हट जाएगा टू भी हट जाएगा क्योंकि बी तो दोनों के लिए सेम है तो ऊपर आएगा ये देखो आ, ये काइनेटिक एनर्जी है ये मास है पार्टिकल का तो इसको मैं लिखने वाला हूँ तो अंडरवुड में सबसे पहले मैं प्रोटॉन के लिखने वाला हूँ ठीक है तो एम पी इसको सिंपली के लिख देता हूँ ली के पी है ना एम पी ये के पी बाय प्रोटोन का मास कितना ई मैग्नेटिक फील्ड हट जाएगा कट जाएगा रेशियो है एल्फा की बात करें तो एल्फा के लिए एम एल्फा के एल्फा और चार्ज ऑफ एल्फा पार्टिकल इज टू ई एम एल्फा जो है वो आप जानते हो फोर टाइम्स ऑफ एम पी होता है तो फोर टाइम्स ऑफ एम पी तो ये टू आ जाएगा बार फ्री हो जाएगा सही है तो रूट एम पी रूट एम पी कट गया ई e से ई e भी कट जाएगा टू से टू भी कट जाएगा देखो है ना तो के पी अपन में के अल्फा का अंडर रूट बचेगा और जो कि आर पी बाय अल्फा है और ये वैल्यू जो है वो टू रेशो वन है तो अगर मैं इसका स्क्वेयरिंग कर दूंगा तो रूट हट जाएगा और यहां पे फोर रेशो जाएगा आ जाएगा ना तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा पी बाय के एल फाइज फोर रेशन तो फिफ्टी टू का बेटा फोर्थ आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन थ्री देखिए विच ओ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट फेयर इज मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट कैसा होता है बिल्कुल नहीं इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज लेकिन मैग्नेटिक मोनापोल्स केवल नॉर्थ पोल केवल साउथ पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट हो गया सेकंड देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू ए एट इट्स एंड्स एंड आउटसाइड कैन नॉट बी कंप्लीटली स्ट्रेट एंड कन्फाइंड ये कह रहा है कंप्लीटली स्ट्रेट नहीं हो सकता सोलोनॉइड के कारण क्या ऐसा पूरी तरह से सही है ट्रू है नहीं मेरे को नहीं लगता क्यों क्योंकि देखो सोलोनॉइड है ये इस के अंदर अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म होता है पैरल होता है स्ट्रेट लाइन होता है बाहर देखा जाए तो यूं आता है ना ऐसा होता है तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये तो सही होना चाहिए फिर तो इसके अकॉर्डिंग ये सही कह रहा है स्ट्रेट नहीं है देखो यहां पे एंड पे या बाहर देखा जाए लेकिन बेटा अगर मैं एकदम लाइन तो इस सेंट्रवल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड एकदम स्ट्रेट होता है देखो स्ट्रेट लाइन आ रही है आ रही है ना एकदम स्ट्रेट आएगा क्योंकि यहां पर करंट बनेगीरिंग कॉइल्स तो करंट केरिंग जो लूप्स है इन लूप्स के कारण मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस पे तो एक्सिस के अलोंग ही होता है ना तो स्टेट आ रहा है देखो आ रहा कि नहीं आ रहा इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट है जनरल वे में बात करें तो पूरी तरह से सही नहीं है तो इसको हम इनकरेक्ट ही मानेंगे तो ये इनकरेक्ट इनकरेक्ट सी क्या कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंप्लीटली कंफाइंड विद ए टोरॉइड ये सही है टोरॉइड जो होता है बेटा वो जीरो पोल मैग्नेट की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं तो टोरॉइड के अंदर

माइनस वन किसके लिए होता है सुपर कंडक्टर के लिए होता है सुपर कंडक्टर अगर आप लोगे तो तो उसके लिए काई की वैल्यू वन के एग्जैक्टली exactly बराबर होगी बेटा तो ये ई e भी सही है तो सी और ई e जो है वही केवल इसमें सही है सत्य है तो इसमें थर्ड ऑप्शन बेटा करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले ए लूप ऑफ फ्लेक्सिबल वायर ऑफ इेगुलर शेप कैरिंग करंट इज प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल फील्ड आइडेंटिफाई द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ द फील्ड ऑन द वायर तो एक फ्लेक्सिबल वायर है उसको आपने एक्सेल फील्ड के अंदर रख दिया ठीक है तो इतना तो कंफर्म है कि अगर फील्ड यूनिफॉर्म है तो उस लूप पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा बेटा जीरो होगा क्योंकि अगर आप किसी भी करंट कैरिंग एलिमेंट की बात करें तो उस पे लगने वाला फोर्स होता है डीएफ वेक्टर इज इक्वल टू आई डीएल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर आई और बी वैक्टर अगर कॉन्स्टेंट है बेटा तो अगर आपको किसी करंट आ, एक फाइनाइट वायर के लिए अगर आपको फोर्स कैलकुलेट करना हो तो आप क्या करोगे इसको इंटीग्रेट करोगे डीएल वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर इस वाले पार्ट को इंटीग्रेट कर गर दोगे बी वैक्टर इज कॉन्स्टेंट और अगर लूप होता है ना तो लूप के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा इस वाले पार्ट को और डीएल वैक्टर का इंटीग्रेशन फॉर क्लोज लूप कितना होता है जीरो होता है बेटा तो टोटल फोर्स की बात करें ना लूप पर वो जीरो ही रहेगा अंदर लेकिन इंडिविजुअल पार्ट की बात करें तो फोर्स फोर्स लगेगा तो टोटल फोर्स जीरो इंडिविजुअल्ड शेप ऑफ द लूप रिमेन्स अनचेंज्ड ओके वायर गेट्स स्ट्रेस टू बिकम स्ट्रेट लूप अज्यूम्स सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड ओके देखिए अगर आपने इरेगुलर शेप का अगर कोई लूप लिया है ठीक है इस टाइप से राइट और अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड सपोज यू लगा दिया और इसमें सपोज करंट यू फ्लो कर रहा है तो यहां पर अगर मैं इस करंट एलिमेंट की बात करूं तो इस करंट एलिमेंट पे करंट यूं जा रहा है फील्ड अंदर की तरफ एल क्रॉस भी फोर्स बाहर लगेगा यहां पर अगर मैं करंट एलिमेंट लू इसमें फोर्स इधर लगेगा ठीक है इस तरफ यहां पे अगर करंट एलिमेंट लू क्यों करंट यूं जा रहा है यहां पर अगर आप देखो तो एल क्रॉस भी तो फोर्स इधर लगेगा तो फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है देखो है ना इंडिविजुअल एलिमेंट की बात करें फोर्स बाहर की तरफ लग रहा है तो टोटल फोर्स जीरो ही रहेगा तो ये जो फोर्स है इस लूप को जो इरेगुलर शेप का है इसको स्ट्रेच करके सर्कल बना देगा कंप्लीटली स्ट्रेच करेगा बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है सर्कल बना देगा ठीक है सर्कल बना देगा और ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए

और देख जैसे फोर्थ ऑप्शन में देखा जाए तो अज्यूम्स सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन पैरल टू द फील्ड इसका जो प्लेन है क्या वो पैरल रहेगा फील्ड के नहीं वो तो फिर uh, देखा जाए तो इक्र uh, ही नहीं रहेगी एम क्रॉस भी यहां पे जीरो ही होगा और फर्स्ट कह रहा है लूप अज्यूम्स सर्कुलर शेप विद इट्स प्लेन पैरल टू द फील्ड अच्छा प्लेन सॉरी ये प्लेन नॉर्मल टू द फील्ड है नॉर्मल टू द फील्ड डेफिनेटली इसका जो प्लेन है अगर आप गौर करें ठीक है अंदर की तरफ आ रहा है और बी वैक्टर अगर पैरल एज्यूम कर लूं तो एम और बी के बीच में एंगल नाइनटी बन रहा है बेटा यहां पर टॉर्क जीरो नहीं होगा लेकिन अगर फील्ड यू है अंदर की तरफ है फील्ड बी वैक्टर अंदर है और एम वैक्टर भी अंदर है तो उस केस में भी हो जाएगा तो फील्ड जो है वो प्लेन के परपेंडिकुलर है है ना प्लेन इसका जो प्लेन है सर्कल कोयल का इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है नॉर्मल है और लूप जो है वो सर्कल शेप में हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें इसका जवाब देना है वैसे कोई जरूरी नहीं है कि सर्कल में हो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं अगर आपने करंट की डायरेक्शन को पलट दिया मान लीजिए करंट इस तरफ फ्लो हो रही है क्योंकि इसने करंट के बारे में कोई स्पेसिफिकेशन दे नहीं रखा करंट कैसे फ्लो कर रही है राइट right, बेटा करंट अगर ऐसे फ्लो करेगी जो फोर्स बाहर लग रहा था ना वो फोर्स अंदर लगेगा और अंदर लगेगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा एक छोटा सी पॉइंट में आ जाएगा फ्लैक्सीबल तो है ही तो उसके इसमें सर्कल शेप में नहीं आएगा ये राइट right? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बात को हाँ तो इस इस वे से ये सर्कल शेप में नहीं आएगा अजीब सा बन जाएगा यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगा सीधी सी बात है तो खैर ऑप्शन में बेस्ट ऑप्शन हमें देखना है और बेस्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए बेटा तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा फोर्थ हो जाएगा फिफ्टी फोर का ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्टी फाइव पे चलें बार मैग्नेट ऑफ लेंथ फोर्टीन सेंटीमीटर इज प्लेड इन मैग्नेटिक मेरेडियन विद इट्स नॉर्थ पोलटिंग टूअर्स द जियोग्राफिक नॉर्थ ए न्यूट्रल पॉइंट इज ऑप्टेन एट ऑफ एटीन सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट ओके इफ बी एच इज जीरो पॉइंट फोर गाउस द मैग्नेटिक मोवमेंट ऑफ द मैगनेट इज वन गाउस इक्वल टू टें फोर टेस्टला तो आपको एक मैग्नेट दे रखा है बार मैग्नेट जिसकी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर गिवन है और इसको आपने ऐसे अरेंज किया है मैग्नेटिक मेरिडियन के अंदर विद इट्स नॉर्थ पोल पॉइंटिंग टुवर्ड्स द जियोग्राफिक नॉर्थ ओके सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बार सेंटर ऑफ द मैग्नेट इफ बी एच ईजीरो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट इज तो आपने इस मैग्नेट को कुछ ऐसे इस वे से अरेंज कर रखा देखिए और नॉर्थ पोल जो है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर रहा है ये साउथ है और मैग्नेटिक मेरिडियन भी भी दे रखा है ठीक है तो मैग्नेटिक मेरिडियन जो है वो इसी तरफ ही है मतलब एंगल ऑफ यहां पर डिक्लेनेशन जो है वो जीरो है एक तरीके से आप ये कह सकते हो ठीक है तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो इसी तरफ आएगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड में ग्रीन लाइन से शो कर देता हूं

जहां पर भी कैंसिल आउट करेंगे तो यहां नजर आ रहा है कि और सिमेट्रिकली अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है आपसे ओके ओके मैग्नेटिक मोमेंट पूछा है तो यहां पर इस पॉइंट पर जो है वो नेट मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी एच ऊपर की तरफ है और मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा यहां पर वो नीचे की तरफ आएगा ठीक है न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है वो हमें कुछ डिस्टेंस पर मिलेगा और आर की जो वैल्यू आपको दे रखी है एटीन सेंटीमीटर ठीक है मैग्नेटिक लेंथ फोर्टीन सेंटीमीटर गिवन है तो ये वाली लेंथ जस्ट हाफ लेंथ हो जाएगी जिसको मैं ए लिख देता हूँ सिंपल और जो ए की वैल्यू वो सेवन सेंटीमीटर हो जाएगी ठीक है अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इक्वेटोरियल लाइन पर वो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए या तो उसको डिराइव करोगे तो डिराइव करोगे टाइम लग जाएगा बेटा तो मैग्नेट के कारण इक्वटोरियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए फॉर्मूला होता है म्यूनोट एम अपोन में फोर पाई ए प्लस आर होल पावर थ्री बाई टू अच्छा अगर डायमेंशन जो है मैग्नेट की अगर नेगलिजिबल हो इस लेंथ इस आर के कम्परेटिवली तो ए स्क्वेयर को हटाया जा सकता है फिर ये आर की पावर थ्री बचेगा केवल लेकिन यहाँ पर ये सेवनटीन फोर्टीन सेंटीमीटर है तो ये नेग्लिजिबल तो नहीं है इसके सामने तो इसको यहाँ से रिमूव मत कर देना आप और ये एग्जैक्टली exactly बी के बराबर होगा अब बाकी कुछ नहीं है कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिख दिया है इसमें वैल्यू रखनी है और सॉल्व करना, तो करना है बेटा तो म्यूनोट की वैल्यू आप जानते हो फोर पाई इंटू टेंट टू द माइनस सेवन होता है कैपिटल एम आपको फाइंड आउट करना है डिवाइड में फोर पाई ए जो ये लेंथ है जो कि सेवन सेंटीमीटर है क्योंकि फोर्टीन है तो फोरटीन का हाफ हो जाएगा सेवन तो सेवन का स्क्वायर प्लस आर जो है वो एटीन सेंटीमीटर है तो एटीन का स्क्वायर हो जाएगा पावर थ्री बाई टू ठीक है तो वैसे यहाँ पे पावर जो लेंथ है ना उसकी पावर थ्री है और लेंथ सेंटीमीटर में रखी है तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा ट्वेंटी पावर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई में तो आएगा मीटर क्यूब के लिए और बराबर बी एच है और बी एच की वैल्यू जीरो पॉइंट फोर गाउस है तो जीरो पॉइंट फोर गाउस है तो वन गाउस इज़ टेन तो टू तो द पावर माइनस फोर टेस्ला जिससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन बाकी इसको बेटा इसको कैंसिल आउट कर सकते हो आप 10 टू तो द पावर माइनस सिक्स माइनस वन बचेगा यहाँ पर या माइनस फोर है तो टेंट तो दावर माइनस वन जो है यहाँ पर बचेगा टेन टू तो द पावर माइनस थ्री और एम की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटा यहाँ से एम इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर इन टू ऑफ सेवनटीन प्लस ऑफ एटीन एंड देन पावर थ्री बाई टू ठीक है और यहां आ जाएगा टू टेंट पावर माइनस थ्री ये मैग्नेटिक मोमेंट आएगा और यूनिट जो आपको दे रखी है जूल पर टेस्ला में गिवन है तो एस SI आई के अंदर ही दे रखा है तो कोई इशू नहीं है अब यहां पर भी देखो अगेन कैलकुलेशन आ गई तो आपने नोटिस किया होगा कैलकुलेशन बहुत आती है जेई में के पेपर में ठीक है तो कैलकुलेशन में थोड़ी स्पीड आप अच्छी रखें तो आप कैलकुलेशन कर सकते हो ठीक है तो वैसे रफली देखा जाए तो जैसे फर्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन है सेम से हैं देखो इसमें पॉइंट का फ़र्क है एक ठीक है इसमें पावर थ्री आ रही है उसमें पावर टू आ रही है तो केवल पॉइंट का ही फर्क चल रहा है वैल्यू सेम ही आएगी तो इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो वैसे चाहो तो ठीक है बाकी इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा एटीन का, का स्क्वेयर करो सेवन का स्क्वेयर करो तो ये लगभग लगभग फोर के आसपास वैल्यू आएगी थोड़ी सी कम आएगी उससे एंड पावर थ्री बाई करोगे तो लगभग ये मान के चलो पावर थ्री बाई टू फोर हंड्रेड का अनरूट ट्वेंटी होता है ट्वेंटी की पावर थ्री अगर हम करें तो देख लो राउंड वैल्यू कितनी आएगी और इसको पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई uh, करके एंड देन टेंटी पावर माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो जब सॉल्व करते हैं बेटा तो एग्जैक्ट वैल्यू आती है टू पॉइंट एट एट जीरो जूल पर टेस्ला ओके तो ये कैलकुलेशन है करनी पड़ेगी उसके बाद में आंसर आएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें इन्हें फेरो मैग्नेटिक मटीरियल बिलो द क्यूरी टेम्परेचर ए डोमेन इज डिफाइंड एज फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में ठीक है फेरो मैग्नेटिक मटीरियल में डोमेन्स होते हैं बेटा और हर डोमेन का जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो एक डायरेक्शन में अलाइन होता है ठीक है जब तक वो मैग्नेटाइज नहीं होता ना मटेरियल तो उसमें जो डोमेन्स होते हैं उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट है है होते हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं रैंडम डायरेक्शन में होते हैं और जैसे ही आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो सारे जो डोमेन्स होते हैं उनके जो मैग्नेटिक मोमेंट होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करते हैं ठीक है और जब अलाइन हो जाते हैं तो फिर मैग्नेटिक जो मोमेंट है उस फैरोमैग्नेटिक मटेरियल का वो काफ़ी अच्छा हो जाता है या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसकी खुद की वो अच्छा हो जाता है ठीक है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है तो क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं तो फैरो मैग्नेटिक मटीरियल का मैग्नेटिक मोमेंट उसमें डोमेंस बने होते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या करें मैक्रोस्कोपिक रीजन विद कॉन्जिगेटिव मैग्नेटिक डायपोल्स ओरिएंटेड इन अपोजिट डायरेक्शन ऐसा नहीं होता है ऐसा कभी नहीं होता है ठीक है माइक्रोस्कोपिक रीजन के अंदर माइक्रोस्कोपिक रीजन में अगर हम देखें है ना वहद रीजन में अगर हम देखें तो मैग्नेटिक डायपोल्स होते हैं और डोमेन्स के अंदर मैग्नेटिक डायपोल्स जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं ठीक है तो ये तो इनकरेक्ट है सेकंड क्या है माइक्रोस्कोपिक रीजन विद ज़ीरो मैग्नेटाइजेशन जो डोमेन्स होते हैं ना ठीक है जैसे ये डोमेन है इस डोमेन के अंदर बेटा मैग्नेटिक जो डायपोल्स होते हैं वो एक ही रीजन के मतलब एक ही डायरेक्शन में होते हैं इस मैग्नेटिक इस डोमेन के अंदर हो सकता है ये इस तरफ हो सारे के सारे एक ही तरफ होंगे इसमें हो सकता है इस तरफ हों तो सारे के सारे एक ही तरफ होंगे तो ये फर्स्ट इनकरेक्ट हो गया सेकेंड बी कह रहा है जीरो मैग्नेटाइजेशन ये गलत है इस इस डोमेन के अंदर जीरो मैग्नेटाइजेशन थोड़ी है है मैग्नेटाइजेशन थर्ड कह रहा है माइक्रोस्कोपिक रीजन विद सेचुरेशन मैग्नेटाइजेशन यस इसमें मैग्नेटाइज ये मैग्नेटाइज होता है है ना सारे के सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं डायपोल्स जो मैग्नेटिक डायपोल्स ये सही है और फोर्थ कह रहा है मैग्नेट माइक्रोस्कोपिक रीजन विद रैंडमली ओरिएंटेड मैग्नेटिक डायपोल्स ये भी इनकरेक्ट है रैंडमली नहीं है बेटा वो पैरा मैग्नेटिक मेटीरियल के अंदर होता है पैरा मैग्नेटिक के अंदर सारे जो डायपोल्स होते हैं वो रैंडम डायरेक्शन में ओरेंट होते हैं बेटा तो उसके केस में ये क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया तो थर्ड ऑप्शन बेटा इसमें करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले मैग्नेटिक फील्ड एट टू पॉइंट ऑन द एक्स ऑफ ए सर्कुलर जीरो फाइव मीटर एंड जीरो पॉइंट टू मीटर फॉर्म देंटर आर इन द रेशो एट रेशो वन ठीक है द रेडियस ऑफ द कोईल इज तो रेडियस ऑफ द कोईल हमसे पूछा है राइट right? तो काफी ये भी अगर देखा जाए तो वैसे लेंथी क्वेश्चन हो गया क्योंकि अगर आप आ, अगर आपको मालूम है कि सर्कुलर कोयल के लिए इसकी एक्सेस पर मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पर अगर आपसे कोई मैग्नेटिक फील्ड पूछे इस करंट केरिंग वायर के कारण तो उसका मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वेयर अपन टू आर स्क्वेयर प्लस एक्स स्क् होल पावर थ्री बाई टू ये वैल्यू होती है आपको दो पॉइंट दे रखे हैं एक तो पॉइंट है जीरो पॉइंट जीरो फाइव मीटर पर और एक है जीरो पॉइंट टू मीटर पर और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो दे रखा है एट वन ठीक है और हमसे आर की वैल्यू पूछिए आर कितना होना चाहिए तो दो पॉइंट्स है एक्स की वैल्यू एक में तो रखनी है जीरो पॉइंट जीरो फाइव और एक में रखनी है जीरो पॉइंट टू ये रख करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो बकायदा आर की वैल्यू फाइन कर सकते हो रेशियो एट रेशियो वन दे रखा तो एट बाय वन इज इक्वल टू मी नॉट आई बाई टू तो कट जाएगा आर स्क्वेयर है आर स्क्वेयर भी कट जाएगा रेडियस तो सेम ही रहेगी ठीक है आर स्क्वेयर कट जाएगा तो एट वाले केस में डिवाइड में आएगा आर स्क्र प्लस x की वैल्यू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव का स्क्वायर पावर थ्री बाई टू और दूसरे वाले केस में आर स्क्वायर प्लस ज़ीरो पॉइंट टू का स्क्वायर पावर थ्री बाई टू ठीक है पावर थ्री है तो अगर मैं क्यूब रूट ले लूँ बहुत साइड यहाँ थ्री है थ्री हट जाएगा वन हो जाएगा वन हो जाएगा इस तरफ क्यूब रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा टू रेशियो वन आ जाएगा फिर स्क्वेयरिंग कर दें तो यहाँ पर अंड्रू हट जाएगा यहाँ पर फोर हो जाएगा तो यहाँ फोर रेशियो बना जाएगा मतलब इसको रब करके लिखूँ मैं तो यहाँ पे फोर हो जाएगा फोर बाय वन और ये पावर इसकी हट चुकी है यहाँ पर बस आगे कुछ नहीं है आगे कैलकुलेशन है क्रॉस मल्टीप्लाई करो फोर आर स्क्वेयर प्लस फोर इंटू ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव का स्क्वेयर बराबर इस तरफ आ जाएगा आर स्क्वेयर प्लस जीरो पॉइंट टू का स्क्वेयर ये फोर आर स्क्वेयर माइनस आर स्क्वेयर कितना आएगा थ्री आर स्क्वेयर आ जाएगा यहाँ पर थ्री आर स्क्वेयेर और वहाँ पर आएगा जीरो पॉइंट टू का स्क्वेयर जीरो पॉइंट जीरो का स्क्वायर ये वैल्यू आ जाएगी बेटा ठीक है <coughs> यहां से आप इसको सॉल्व करेंगे सॉल्व करने के बाद फिर स्क्वायर आएगा और की जो वैल्यू तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बेटा तो ऑलमोस्ट आएगी थर्ड ऑप्शन मतलब मीटर ठीक है वैसे क्रॉस चेक भी कर सकते हो वैसे वैल्यू पुट करके भी देखा जा सकता है खैर अगेन कैलकुलेशन ठीक है तो आप देख सकते हो कैलकुलेशन आ रही है बार बार ठीक है तो कैलकुलेशन आपको स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी अपनी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले क्वेश्चन नंबर फिफ्टी एट ए हेयर पिन लाइक शेप एज शोन फिगर इज मेड बाय बेंडिंग ए लॉन्ग करंट कैरिंग वायर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी पॉइंट पीर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ये वायर कुछ ऐसे है बेटा देखिए ठीक है तो अगर आप गोर से देखें अच्छा करंट यूज जा रही है ये यह, यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है कुछ करंट यूं जा रही है ये है करंट ठीक है तो अब इसमें अगर देखें तो अपन तीन पार्ट बना सकते हैं एक तो ये वाला पार्ट बन गया एक ये वाला और एक ये वाला ये एक सेमी इन्फाइनिट लेंथ का वायर हो गया और इससे आठ डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है म्यूनॉट आई अपन में फोर पाई आर तो इस वाले वायर के कारण मैग्नी फील्ड यहाँ पर किधर आएगा अंदर की तरफ आएगा ना राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो करंट यूं जा रही है और मैग्नी फील्ड पॉइंट बेटा अंदर की तरफ तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी म्यूनॉट आई बाई फोर पाई आर अब थर्ड नंबर वायर देखो ये भी सेमी इन्फाइनेट लेंथ का वायर है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड टी पॉइंट पे अंदर की तरफ जाएगा तो ये भी ऐड हो जाएगा म्यू नॉट आई एफोन में फोर पाई आर प्लस ये एक सर्कुलर आर्क है ठीक है सेमी सर्कल है सेमी सर्कल एक कंप्लीट सर्कल के लिए फील्ड कितना होता है सेंटर पर म्यू नॉट आई एफोन में टू आर होता है तो सेमी सर्कल के लिए क्या होगा हाफ हो जाएगा उसका मतलब म्यू नॉट आई एफोन में फोर आर ये लो ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा यहाँ पर अब इन दोनों को सम कर दो तो ये तो कितना आ गया म्यूनोट आई एफोन में फोर पाई आर फोर पाई आर मतलब टू पाई आर बचेगा प्लस में म्यूनॉट आई एफोन में फोर आर अब म्यूनोट आई एफोन में फोर पाई आर कॉमन लिया जा रहा है यहाँ पर तो म्यूनोट आई एफन में फोर पाई आर अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में कितना आएगा यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे आ जाएगा टू प्लस इसमें देखा जाए तो पाई आ जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा म्यूनोट आई एफोन में फोर पाई आर और ब्रैकेट में टू प्लस फाइव तो ये सेकेंड ऑप्शन बेटा इसका करेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें ओके ए चार्ज क्यू इज मूविंग डी एल वैक्टर डिस्टेंस इन द मैग्नेटिक फील्ड बी वैक्टर फाइंड द वैल्यू ऑफ वर्क डन बेटा ये बहुत ही सिंपल सी चीज है अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब मूव करता है तो उस चार्ज पार्टिकल पे जो लगने वाला फोर्स होता है एफ वैक्टर वो क्यू वी क्रॉस बी के बराबर होता है ठीक है वी क्रॉस बी और अगर आप गौर से देखें तो एफ वैक्टर वी क्रॉस बी के पैरल है और v और b का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा v वेक्टर और b वेक्टर के परपेंडिकुलर आता है तो यहां से कंक्लूजन ये निकला कि f वेक्टर वेक्टर v के परपेंडिकुलर है तो बेटा अगर f वेक्टर के कारण वकदन निकाले पावर कैलकुलेट करें तो पावर कितनी आएगी p तो यही होती है ना पावर और f और v दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो पावर कितनी आएगी एफ वी कॉस नाइनटी जीरो हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कोई पावर डिलीवर नहीं करता मूविंग चार्ज पर जब पावर ही डिलीवर नहीं करेगा तो वकदन कितना होगा जीरो होगा ना ठीक है तो ये इस केस में कितना आएगा जीरो आएगा तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा फोर्थ आ जाएगा जाएगा फोर्थ ठीक है ओके तो ये था आपका यूनिट नंबर इलेवन राइट तो ये हमने मैग्नेटिक फील्ड वाला करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड है ना करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिज़्म जो चैप्टर था उसके जो क्वेश्चन जो जेईवेंस के अंदर आए थे वो हमने कवर कर लिए हैं पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड के अंदर बेटा ठीक है आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे लेकिन एक चीज़ में खास थी वो आपने ऑब्जर्व की होगी बेसिक फॉर्मूलाज जो हैं उन पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ठीक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की बात करें इसके अंदर करंट कैरिंग वायर के कारण जो मैगनेटिक uh, फील्ड के अंदर जो फोर्स लगता है वो हमने देखा उसके अलावा करंट कैरिंग वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होता है स्ट्रेट वायर के कारण सर्कल के कारण है ना आर्क के कारण ये जो बेसिक फॉर्मूलाज है ये आपको ध्यान रखने जरूरी हैं उसके अलावा मैग्नेट की बात करें परमानेंट मैग्नेट की बात करें उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो उसकी एक्सिस पे कितना होता है इकोटर लाइन पे कितना होता है उसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या होता है टॉर्क कितना लगता है उसकी एनर्जी कितनी होती है करेक्ट तो बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको ध्यान होने चाहिए तो आप क्वेश्चन को कर सकते हो उसके अलावा सबसे मेन चीज़ क्या है कैलकुलेशन कैलकुलेशन आपकी स्ट्रॉग है तो आप डेफिनेटली क्वेश्चन को कर जाओगे है ना तो कैलकुलेशन जहाँ पे आए वहाँ पे हार नहीं माननी है आपको है ना तो कैलकुलेशन वाली अप्रोच आपकी होनी चाहिए तो कोई भी क्वेश्चन अगर आप करो तो प्लीज़ कैलकुलेटर की हेल्प ना लें आप खुद से करें रफली कैलकुलेट किया करें ठीक है है ना तो आप डेफिनेटली आंसर के आसपास कहीं ना कहीं पहुँच जाओगे और आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा ठीक है सारे क्वेश्चन नहीं होते हैं कुछ एक क्वेश्चन जैसे इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपने देखा होगा कैलकुलेशन वाले हैं ठीक है पूरे पेपर की बात करें तो ऑब्वियसली सभी चैप्टर्स के क्वेश्चन आएंगे तो कुछ क्वेश्चन जो है आपको कैलकुलेशन वाले जरूर मिलेंगे ठीक है तो अच्छे से मेहनत करते रहिए बढ़िया से कीजिए आपका पेपर अच्छा होगा ठीक है ऑल द बेस्ट थैंक यू